गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज बारिश के मौसम में हम एंजॉय करते हैं प्याज के पकौड़े। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स जो है आपका प्याज, जिसे आप छील लीजिए, धो लीजिए, और धोने के बाद बड़े बड़े पनीर चिली साइज़ में बड़े बड़े क्यूब्स प्याज के काट लीजिए। और फिर आप दूसरा चीज़ आप साथ में लीजिए, मसाला जैसे कि अजवाइन, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला और नॉर्मल मसाला। उसके बाद बेसन थोड़ी सी ले लीजिए। बेसन को आपको बेसन में सारे मसालों को मिलाना है और बेसन में बढ़िया से आप मिला लीजिए। नमक आपका स्वाद अनुसार होगा। फिर उसमें पानी डाल के पेस्ट बनाइए। धीरे धीरे करके फेंटते जाइए। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाइए। अब पानी मिलाते हुए फेंटते जाइए चम्मच से या हाथों से, जैसी आपकी श्रद्धा। फिर थोड़ा सा पानी मिलाइए, जो आपकी बेसन की कंसिस्टेंसी है, बेसन की कंसिस्टेंसी जो कि इतना पतला होना चाहिए जो आपकी प्याज के जो टुकड़े हैं उनमें चिपक जाए। ये बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी नाश्ता है। आपको हम चेक कराते हैं कि इसमें प्याज के टुकड़े में चिपक रहा है या नहीं, उतनी कंसिस्टेंसी। हाँ, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है प्याज के टुकड़े में चिपकने के लिए। अब हम दूसरी ओर चूल्हे में कढ़ाई चढ़ा देते हैं और फिर चाहे आप रिफाइंड तेल में फ्राई कीजिए या सरसों तेल में, ये आपकी चॉइस। बेसिकली हम लोग तो सरसों के तेल में फ्राई करेंगे। आगे का प्रोसेस हम दिखाते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। फिर आप तेल का टेम्परेचर का वेट कीजिए कि तेल की सही टेम्परेचर आ जाए। सही टेम्परेचर हो गया है तो एक पीस डाल के देखिए कि तेल का सही टेम्परेचर हो गया है। हाँ, सही टेम्परेचर तेल का हो गया है। ऐसे कर करके आपको एक एक प्याज की टुकड़े बेसन में लपेट लपेट के डालते रहना है। फ्राई होने के बाद पकौड़े प्याज के इतनी बढ़िया दिखने लगेंगे। ये लीजिए गाइस, प्याज के तले हुए फ्राई क्रिस्पी पकौड़े। चाहे इसे आप टमाटो सॉस से खाइए या चिली सॉस से खाइए, जैसी आपकी मर्जी। एंजॉय योर डे। हैव अ रेनी डे। हैप्पी रेनी डे।